श्रीनगर में एसएसबी का एक बेस कैंप था जो पूरी तरह नष्ट हुआ है और यहाँ पर बारिश ने काफी तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं सामने जो एसएसबी के क्वार्टर बने हुए थे वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और पूरी जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा ये है कि अब भी अंदर सामान इन लोगों का फंसा हुआ है जिसके निकालने की कोशिश की जा रही है और जो पूरा इलाका है तबाही किस तरह रही होगी जब यहाँ पर पूरी तरह मलबा और पानी आया तो कितनी परेशान रही होगी ये चीजें आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं और जो पूरा का पूरा इलाका है उसने पूरी तरह तबाही यहां पर मचाई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा इलाका है पूरी तरह पानी ने अपने आगोश में ले लिया था। जो जलस्तर था वो लगातार यहां पर बढ़ा हुआ था, परेशान उस समय काफी देखने को मिली है। अंदाजा यह भी है कि एसएसबी का करीब 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहां पर हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा इलाका है आप देख सकते हैं पेड़ पूरी तरह टूटे हुए हैं, मिट्टी यहां पर है, मलबा काफी आया हुआ है और काफी परेशानी एसएसबी के सामने इस समय यह है कि वो किस तरह अपने इस घर को दुरुस्त करे। हालांकि तमाम अधिकारी मौके पर हैं, मुआयना यहां पर किया जा रहा है और कोशिश यह है कि जितनी जल्दी हो एसएसबी इस जो घटना हुई है उससे उबर सके, लेकिन रेतीली मिट्टी है बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह कि एसएसबी का बेस कैंप यहां पर है इसीलिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में थोड़ा समय अभी और लगेगा। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ अवनीश प्रेमी, सारा न्यूज ब्यूरो, श्रीनगर। और संवाददाता अवनीश प्रेमी ने एसएसपी के एस बंदोपाध्याय से बातचीत की। आपदा का कहर एसएसबी पर भी टूटा है और यही हालात श्रीनगर के अंदर है जहां पर पूरे कैंपस को भारी तबाही यहां पर हुई और मेरे साथ इस समय एसएसबी के जो कमांडेंट है एस बंदोपाध्याय साहब वो मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के हालात यहां पर रहे। बंदो साहब, किस तरह के हालात यहां पर रहे? देखिए हालात तो अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड हमारे लिए परेड ग्राउंड होता था, हम हमारे जो ट्रेनीज यहां रिक्रूट है या ऑफिसर्स ट्रेनीज है वो यहां पर पीटी परेड सब करता था और ये 17 तारीख रात में यहां पर पानी आया और पानी आके ये रेत छोड़ के चले गया, लेकिन तबाही मचाया 18 तारीख दोपहर के बाद जबकि ये नदी का कोर्स बदल गया। आप दूर देखेंगे तो हमारा रिटेंशन वॉल वहां पर है करीब यहां से 100-150 मीटर दूर, रिटेंशन वॉल को तोड़ते हुए ये नदी इसके अंदर घुसा और घुसने के बाद ये पूरा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आज 2 महीना पहले हमने टेक ओवर किया था और इस एरिया में पूरे ऑफिसर्स ट्रेनिंग रहता था, चारों तरफ इसमें मेसेस होता था, करीब 100 ऑफिसर्स ट्रेनिंग यहां रहते थे, ये बिल्डिंग ट्रेनिंग ब्लॉक के नाम में जाना जाता था और ये ग्राउंड जो है ये कोर्स बदलने के बाद ये पूरा नदी घुस गया अंदर और ये पूरा बर्बादी। आप खुद यहां पर मौजूद है, कई सालों से आप रह रहे होंगे, किस तरह का चीजें यहां पर आपने देखी, क्या हालात उस समय थे जब नदी का ये रूप देखने को मिला? देखिए हमने तो फोर्स के मेंबर होने के नाते सबसे पहले हमारा काम था कि जान माल का कोई जान का नुकसान ना हो, तो हमारे जितने भी स्टाफ है जितने भी घोड़े हैं हम इनको हटा लिया था सेफ प्लेसेस में, हमारे गाड़ीज है वो हटा लिया था और हमने धीरे धीरे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था इस बिल्डिंग में पानी आ जाएगा, इस बिल्डिंग के इस दशा होगा, जितना भी इनके सामान था वो निकाल के हम इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रखना शुरू किया था ताकि वो सामान सेफ हो जाए, लेकिन इसके सामने आदमी बेबस हो जाता है, बहुत तूफान आया, आप आज एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे जहां पर नदी है उस नदी से करीब 50 फीट पानी अंदर आया, तो 50 फीट पानी और जब करंट में चलता है तो ये जो दृश्य आपके सामने है वो दृश्य दिखाई देता है। मोहन साहब, देखा जाए जो सामने पूरी बिल्डिंग है जो पूरी तरह टूट चुकी है, आपके और सेंटर किस तरह का, ये आपका सेंटर था और किस तरह के इक्विपमेंट थे जो उनके अंदर रखे हुए थे? देखिए ये तो ट्रेनिंग ब्लॉक है, इस ट्रेनिंग ब्लॉक के अंदर हमारे क्लासरूम्स था, कॉन्फ्रेंस हॉल थे, हमारे ऑफिसेस होता था, तो उसमें जो भी सामान है और कुछ ट्रेनीज को रहने के लिए जो सामान की जरूरत है जैसा उनके बिस्तर, अलमारी, कंप्यूटर हमने दे रखा था, उनको हम ला ला के यहाँ पर डंप किए थे ताकि ये भी टूट जाए तो ये नहीं टूटेगा तो इसके ऊपर सब लोग बच जाए, लेकिन ये अभी टूट गया है तो इसलिए। कितने का नुकसान माना जाए एसएसबी का यहाँ पर हुआ है, कैसे भरपाई करेंगे? देखिए ये नुकसान तो अभी प्रेजेंटली एसेस करना बहुत मुश्किल है, हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली से हमने इंजीनियर के मंगाया है और वो आके बताएंगे नया रूप हम कैसे देंगे, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन किया जाएगा, ड्राइंग किया जाएगा, उस बेसिस पे हम कर पाएंगे। आपकी टीम भी यहाँ पर लगी है तो कब तक चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, पूरे जवान हैं आपके जो इस समय लगे हुए हैं यहाँ पर? देखिए दुरुस्त तो हम वही करना चाह रहे हैं कि इसमें रिस्क हम एकदम लेना नहीं चाह रहे, हम यहाँ से जो भी सामान रिट्रीव हो सकता है पर्सनल बिलोंगिंग्स या सरकारी बिलोंगिंग वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये बिल्डिंग ऐसे रह जाएगा हम छोड़ देंगे। तो ये थे एसएसबी के कमांडेंट साहब जिनका कहना था कि जिनकी कोशिश यहां पर की जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना यह भी था कि जितने जल्दी होगा चीजों को दुरुस्त किया जाएगा लेकिन जितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल होगा। कैमरामैन मुकेश राजपूत और सत्येंद्र बर्थवाल के साथ अवनीश प्रेमी, सहारा न्यूज ब्यूरो, श्रीनगर।